हे गाइस, इस वीडियो में हम एक न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो 3D प्रिंटिंग पर बेस्ड है. यस, हम 4D प्रिंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं. सो वेलकम टू रीडिफाइन. अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि ये एक 3D प्रिंटिंग रिलेटेड चैनल है. सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें. सो लेट्स बिगिन. पहले हम 3D प्रिंटिंग और 4D प्रिंटिंग में क्या फ़र्क होता है वो देखेंगे. 3D प्रिंटिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट उसके 3D मॉडल को स्लाइस करके प्रिंट की जाती है विद एन एक्सेप्शन टू फ्लेक्सिबल मटेरियल्स. हमारा गोल ये रहता है कि ऑब्जेक्ट अपना शेप मेंटेन करके रखे जहाँ भी उसका एप्लीकेशन हो. उसमें डिफॉर्मेशन मिनिमम होनी चाहिए. 4D प्रिंटिंग में एक्चुअल 4D फोर्थ डायमेंशन में प्रिंट नहीं किया जाता, जबकि ऑब्जेक्ट को 3D प्रिंटिंग जैसा ही प्रिंट करते हैं. बट जब वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑब्जेक्ट अपना शेप चेंज करता है. ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स टेम्परेचर, लाइट या कोई भी एनवायरमेंटल स्टिमुलाय हो सकता है. ये टेक्नोलॉजी MIT सेल्फ असेंबली लैब का एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो सेल्फ असेंबली को अचीव करना चाहते हैं with the help of programmable materials. To get a better understanding, ये वीडियो देखिए जहाँ ये मॉडल वार्म वाटर के कॉन्टैक्ट में आने पर बॉक्स के शेप में कन्वर्ट हो जाता है. थोड़े बेटर टर्म्स में इसे कहा जाए तो 3D प्रिंटिंग इज़ अबाउट प्रिंटिंग टू डायमेंशनल शेप्स लेयर बाय लेयर टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जबकि 4D प्रिंटिंग इज 3D प्रिंटिंग ट्रांसफॉर्मिंग इट्स शेप ओवर टाइम. सो ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? ये टेक्नोलॉजी कमर्शियल 3D प्रिंटर्स को यूज़ करते हैं जैसे पॉलीजेट प्रिंटिंग, और इसमें स्मार्ट मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं जैसे हाइड्रोजेल और शेप मेमोरी पॉलीमर. इसके थर्मो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के वजह से ये स्पेशल है. थर्मो स्टैंड्स फॉर हीट, मतलब हीट के कॉन्टैक्ट में आने पर इसका शेप चेंज हो जाता है. इस टेक्नोलॉजी के फ़ायदे क्या है? पहला है इसका साइज़ चेंजिंग. 3D प्रिंटर्स की एक साइज़ लिमिट होती है जिसके बाहर आप प्रिंट नहीं कर सकते, बट 4D प्रिंटिंग से हम बड़े ज्योमेट्री को फोल्डेड फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं जो 3D प्रिंटर्स के बेड पर ईजिली फिट हो जाए, और प्रिंट कंप्लीट होने के बाद उसे उसके थर्मो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से वो एक्सपेंड होकर डिज़ायर ज्योमेट्री का शेप ले ले. इसके एप्लीकेशंस काफ़ी है. हम इससे स्मॉलर प्रिंटर्स पर कोई भी बड़े ऑब्जेक्ट प्रिंट कर सकते हैं. इसका सेकेंड एडवांटेज है इसके मटेरियल्स. इसके मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के वजह से इसके वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है, फ्रॉम इंजीनियरिंग टू मेडिकल फील्ड. तो इम्पोर्टेंटली ये देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के फ़ायदे क्या है. 3D प्रिंटिंग के वाइड यूजेस हमें पता चल रहे हैं और रेगुलरली न्यू इनोवेशंस भी आ रहे हैं. इस टेक्नोलॉजी के भी काफ़ी यूजेस है. फॉर एग्जांपल, सेल्फ रिपेयरिंग पाइप. मटेरियल्स अपना डायमीटर चेंज करके फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं या इवन डैमेज होने पर खुद को रिपेयर कर सकते हैं. सेकेंड है सेल्फ असेंबलिंग फर्नीचर्स. जैसे कि मैंने आपको पहले साइज चेंजिंग के बारे में बताया, हम एक फर्नीचर को 3D प्रिंटर में फिट हो उस हिसाब से फोल्ड करके प्रिंट कर सकते हैं, और फिर हीट या वाटर से एक्टिवेट करके उसे एक्सपैंड कर सकते हैं फॉर इट्स एक्चुअल एप्लीकेशन. नंबर 3 है प्रिंटिंग इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. जैसे कि इन स्पेस 3D प्रिंटिंग का यूज़ हो रहा है, बट वो कॉस्टली मेथड है ड्यू टू कॉस्ट एफिशिएंसी एंड एनर्जी डिमांड. 4D प्रिंटिंग से ट्रांसफॉर्मेबल शेप का यूज़ करके एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं. नंबर 4 आता है मेडिकल इंडस्ट्री. मेडिकल फील्ड में भी इसके काफ़ी यूजेस किए जा सकते हैं. 4D प्रिंटिंग के शेप चेंजिंग प्रॉपर्टीज़ का काफ़ी यूज़ हो सकता है, जैसे कि एंजियोप्लास्टी में स्टेंट्स का यूज़ होता है टू कीप दी आर्टरीज ओपन. 4D प्रिंटेड स्टेंट्स ऑन साइट जाके उसका शेप चेंज करके ओपन अप हो सकते हैं. नंबर 5 है फैशन. शेप चेंजिंग शूज़ जो एनवायरनमेंट या टाइप ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से एडजस्ट हो सके. इसी तरह 4D के और भी एप्लीकेशंस हो सकते हैं. सो ये था एक शॉर्ट वीडियो ऑन 4D प्रिंटिंग.
आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रिंटिंग।